नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश सैनी है, मैं सीकर से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, इनका नाम जगदीश प्रसाद जी सैनी है। हम पिछले 10-12 सालों से ये COPD, अस्थमा और सांस लेने में परेशानी से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं, और हमने जहाँ कहीं भी हमें पता चला भी इस बीमारी का यहाँ पर इलाज होता है, वहाँ पर हमने सीकर, जयपुर और ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हमने 10-12 सालों में काफ़ी जगह इनको दिखाया, इनके परीक्षण करवाए, इनके टेस्ट करवाए, लेकिन कहीं पर भी हमें इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। और इनकी जो ये बीमारी है COPD की, अस्थमा की है, सांस लेने में जो दिक्कत होती है, ये बीमारी पिछले 10-12 सालों से बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन पिछले साल दिसंबर के महीने में जब इनको समस्या ज़्यादा हुई, तो हमें हमारे परिचितों के द्वारा, सूचना माध्यमों के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि जयपुर के मणिपाल अस्पताल में डॉक्टर विकास जी पिलानिया बैठते हैं, जो कि COPD, अस्थमा, श्वास संबंधित मरीजों के लिए एक वरदान के साबित हो रहे हैं। हमें पता चलते ही हम तुरंत यहाँ पर आए। हम जिस समय यहाँ पर आए थे, इनकी बहुत ही क्रिटिकल स्थिति थी, इनको तुरंत यहाँ पर वेंटिलेटर पर लिया गया। 3 दिन तक ये वेंटिलेटर पर रहे, लेकिन डॉक्टर विकास जी पिलानिया और उनकी टीम ने दिन रात मेहनत करके बहुत ही अच्छे, और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि धरती पर भगवान का रूप जो है वो डॉक्टर होते हैं, ईश्वर का जो अवतार है वो डॉक्टर हैं, उनको सार्थक करते हुए डॉक्टर विकास जी पिलानिया, सुरेंद्र जी सैनी और उनकी पूरी टीम ने मिलकर दिन रात मेहनत करके पिताजी को एकदम स्वस्थ किया, अच्छा किया, जिसकी बदौलत हम आज आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं। और हम यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि ईश्वर डॉक्टर विकास जी पिलानिया, सुरेंद्र जी सैनी और उनकी पूरी टीम को दिन रात उन्नति दे, प्रगति दे, और भी जो मरीज़ उनकी देखभाल में यहाँ पर डॉक्टर मणिपाल अस्पताल जयपुर में आए, वो सभी स्वस्थ होकर, अच्छे होकर जाएं, उनके परिजन उनको अच्छी दुआएं दें, शुभकामनाएं दें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विकास पिलानिया है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक मेरे मरीज़ की जानकारी साझा करना चाहूँगा, जिनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मरीज़ मिस्टर जगदीश प्रसाद सैनी, जो कि 75 ईयर्स ओल्ड जेंटलमैन है एंड COPD से ग्रसित हैं। ये पेशेंट पिछले साल 7 दिसंबर को हमारे इमरजेंसी में आए थे, बहुत ही ख़राब कंडीशन में। पेशेंट को इमरजेंसी में ही CPR दिया गया व इंटूबेट किया गया। पेशेंट हमारे पास ICU में 5-7 दिन रहे और ठीक होके चले गए। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस बार फिर 7 दिसंबर को ये पेशेंट इमरजेंसी में आए, उसी कंडीशन में। इमरजेंसी में ही उनको फिर से इंटूबेट किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, और 5-6 दिन के हमारे अथक प्रयासों के बाद पेशेंट पूरी अच्छी तरह से ठीक होकर आज डिस्चार्ज हो रहा है। इसमें मैं एक तो जो मरीज़ के परिजन हैं उनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें हर समय पे कोऑपरेट किया और हमारे ऊपर पूरा विश्वास रखा। क्योंकि हम अगर किसी पेशेंट के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें हमारे को उसके जो अटेंडेंट्स हैं, जो रिलेटिव हैं, उनके कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूसरा, मैं हमारी क्रिटिकल केयर टीम जो है, डॉक्टर वैभव, डॉक्टर अनिल को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो असली मेहनत है वो उन्हीं की है, वो हमारे पर्दे के पीछे के हीरो हैं। जो उनकी जो टीम है ICU की, वो अथक प्रयास करती है, उनके अथक प्रयासों से ही आज ये मरीज़ दूसरी बार पोस्ट CPR होने के बावजूद वेंटिलेटर पर रह के आज ठीक होके जा रहा है। इसलिए मैं आप सभी को इस चीज़ के लिए, इनके रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे ऊपर पूरा विश्वास किया और हमारे साथ कोऑपरेशन बनाए रखा। धन्यवाद।